नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा जो डिस्कशन है वो है क्या है, यूके की एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के ऊपर। क्योंकि यूके की एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू हम लगातार जो लोग एलिजिबल हैं उनकी डाल रहे हैं। एलिजिबल मीन्स ये है कि जिनकी प्रोफाइल के अंदर हमें कोई दम लगता है कि डालने का। हाँ, जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट लगाकर अपने केसेस डाले हुए हैं तो उनके ऊपर उन्होंने बैन किया या रिफ्यूज़ किया है, या जिनकी कम्युनिकेशन या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी नहीं है, जिसके लिए स्पेशली वीज़ा ऑफिसर ने लिखा हुआ है कि लैक ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, तो उन केसेस के ऊपर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो केस फेक डॉक्यूमेंट के कारण भी रिफ्यूज हुए हैं, लेकिन उसके अंदर एप्लीकेंट का मतलब कोई फॉल्ट नहीं है जिसने केस अप्लाई किया है, वो भी हमें संपर्क कर सकते हैं, उनके लिए भी हम कोई अच्छा वे आउट बता सकते हैं। इवन अभी मुझे वो फ़ोन आने स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखकर भेज रही है कि आपको अभी 320 लगी हुई है, हम फीस रिफ़ंड नहीं करेंगे। वो भी लोग हमें संपर्क करें तो वो अपनी फ़ीस कैसे रिफ़ंड ले सकते हैं, उसमें भी हम आपको अच्छे से अच्छा वे आउट बता सकते हैं। तो अभी यूके के लगातार रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं, बीच में दो चार वीज़ा आ जाते हैं, तब 20 रिफ्यूज़ल आते हैं, तो जो वीज़ा आते हैं तो उसको हम ज़्यादा दिखाते हैं। तो मैं हर एक वीडियोस में मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपको फैक्ट बताऊं, सच्चाई बताऊं, उसके बाद आप डिसीज़न लें करना है, क्या है आगे। तो जो लोगों के ऑलरेडी यूके के रिफ्यूज़ल्स आ चुके हैं, कोई अनदर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि कौन सी कंट्रीज़ में जाएं, जहां पर उनको दोबारा वीज़ा मिल जाए, या जहां पर बजट इकोनॉमिकल हो, कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो स्पाउस के साथ वीज़ाज देती हैं, कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि विदाउट इंटरव्यू वीज़ा देती हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम केवल इन प्रमोटेड कंट्रीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हमारे पास ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्री स्टडी प्रोवाइड करती हैं, जिसकी प्रोफाइल अच्छी है। तो मैंने फिर बताया कि हम रेगुलर बच्चों के एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डाल रहे हैं, जिसके अंदर हमें लगता है कि कोई ना कोई इसके अंदर पॉजिटिव डिसीज़न आएगा, जो कि एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर उसके ऊपर उसको देखने के बाद उसको जो डिसीज़न लिया हुआ है उसको टर्न डाउन कर सकता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले साथ में फिर वही एक ही हमारा डायलॉग है, करो योग और रहो निरोग। योग से रिलेटेड मैं डेली कोई ना कोई टिप्स डालता रहता हूँ। तो अभी जिन लोगों को डायबिटीज़ हैं उनके लिए मैं दो प्राणायाम बताऊँगा, करके नहीं बताऊँगा क्योंकि अभी मैंने ड्रेस डाली हुई है, चलो फिर भी कहोगे तो मैं एक छोटा सा करके भी बता दूँगा, कौन से हैं मंडूक आसन और सूर्य नमस्कार। अगर ये दो आसन करते हैं जिनको डायबिटीज़ है, वो डायबिटीज़ का हाल ये है हमारे वर्ल्ड के अंदर या स्पेशली इंडिया के अंदर, हर 5 लोगों के पीछे एक डायबिटी पेशेंट मिल रहा है, मतलब आने वाला टाइम ऐसा आने वाला है, हर 5 लोगों के पीछे। तो आप बताइए ये कैसा डेंजरस मतलब बनता जा रहा है ये जो प्रॉब्लम है। तो डायबिटी वाले पेशेंट्स को और ये बहुत ही अच्छे परिणाम है, अगर वो ये इन परिणामों को करते हैं सुबह उठकर, तो मैं ये बता सकता हूँ ये नॉट क्योरेबल डिजीज़ है, वो क्योर हो सकता है अगर दिल से करेंगे। दो प्राणायाम है, मंडूक आसन और कौन सा है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार अभी मेरे पास जगह नहीं है, या मंडूक आसन की मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं अगली वीडियो में करके बताऊँगा। तो अभी हम आते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू के ऊपर। तो अभी मेरे पास 2 ऐसे केस आए थे जिसके ऊपर रिवोक हुआ था बच्चे का वीज़ा, ड्यू टू जब उसने फ्लाई करना था इंडिया से, उसका वीज़ा भी स्टैंपिंग होके आएगा, मैं वीज़ा भी दिखाऊंगा। जब बच्चे का वीज़ा रिवोक हो गया, रिव्यूक होने के बाद उसने मेरी वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद उसने इमीडिएटली मुझे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद, वो साउथ इंडियन बच्चा है, करने के बाद उसने कहा कि मेरा ऐसे ऐसे केस था, ऐसे ऐसे रिवोक हुआ। उससे मैंने सारी कहानी पूछी, यूनिवर्सिटी पूछी, उसकी प्रोफाइल पूछी, प्रोफाइल पूछने के बाद उससे पूछा कि इंटरव्यू ली थी एम्बेसी ने कि नहीं ली थी। उसने बताया कि एम्बेसी ने कोई भी इंटरव्यू नहीं ली थी, अभी मेरा ये वीज़ा रिवोक कर दिया है, मुझे भी अभी तक पता नहीं चला, बट जब मैं एयरपोर्ट पर गया, एयरपोर्ट वालों ने मुझे बोर्डिंग पास नहीं दिया, उन्होंने कहा कि एम्बेसी से हमें इंस्ट्रक्शंस हैं, आप लोगों के हमारे पास डाटा आए हुए हैं कि आप लोगों के वीज़ाज रिवोक कर दिए हैं, तो आप इमीडिएटली यूके एम्बेसी से संपर्क करो। तो उसने इंस्टेड ऑफ यूके एम्बेसी को संपर्क करने के बाद कहीं नेट पर देख लिया कि वट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू वट वट्स एवर, तो तब हम मिले, मुझे फ़ोन कर दिया। तो मैंने उसी टाइम उनको कहा कि यू कैन इमीडिएटली पुट योर ईमेल टू यूके एम्बेसी, कि उसमें लिखिए कि मुझे यहाँ से वीज़ा ग्रांट हुआ था, तो लेकिन मुझे यहाँ से बोर्डिंग पास नहीं दिया,
तो यूके एम्बेसी ने उसको फिर रिवोक का एक लेटर भेज दिया और साथ में ये लिख दिया कि अभी हम आपका वीज़ा रिवोक कर दिया, तो अभी हम इसको रीअसेस करेंगे, तो देयर आफ्टर दे विल टेल कि क्या करना है। तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद उसको एक और ईमेल डाली कि हम आपकी इंटरव्यू लेंगे, बच्चे के 6.5 बैंड हैं और एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, अच्छे परसेंटेज हैं। उन्होंने उसके बच्चे की इंटरव्यू ली। इंटरव्यू में क्या पूछना था, क्योंकि मेरे पास तो कम से कम 75 रिफ्यूज़ल लेटर हैं हर एक बच्चे की, जो जो इंटरव्यू हुई थी मैंने उनमें से जो पेट क्वेश्चन आम बच्चों से पूछे जाते हैं मैंने बच्चे के साथ शेयर किए, कि मैंने कहा कि ये क्वेश्चन यूके एम्बेसी आपसे पूछेगी अभी इंटरव्यू के लिए, तो आपने कॉन्फिडेंट जवाब देना है हर एक क्वेश्चन का, क्योंकि आप फेक तो है नहीं है, फंड भी है आपके पास, सारा कुछ है आपके पास। तो उन्होंने वो ही कम से कम 35 मिनट बच्चे की इंटरव्यू ली, तो वो जो जवाब पूछे बच्चा उससे उल्ट बढ़िया उसका आंसर दे। तो लास्टली उन्होंने फिर यही बता दिया कि हमने आपका वीज़ा अभी ग्रांट फिर कर दिया है, तो अभी आप दोबारा अपना जो पासपोर्ट है सबमिट करो BFS के थ्रू। अभी बच्चे ने दोबारा पासपोर्ट अपना सबमिट किया, पहले वो कर दिया था वीज़ा, दोबारा सबमिट किया, अभी एक दो दिनों के अंदर उसको वीज़ा स्टैंपिंग होके आ जाएगा, आने के बाद मैं वो वीज़ा भी दिखाऊंगा। और दूसरा केस क्या था कि ये मेरे पास जो मैंने बताया था कि मैंने जो अभी कुछ 15-16 रिव्यू डाली हुई हैं एम्बेसीज के अंदर, उनके अंदर एक रिव्यू का हमारे पास और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, वो तो रिवोक वाला था, ये आया था। मैंने फिर बताया कि मैं वही केस की एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डालता हूँ जिसका रिफ्यूज़ल लेटर मैं पढ़ लूँ, पढ़ने के बाद जिसके अंदर मुझे कुछ पॉइंट्स दिखाई देते हैं, हाँ बच्चा ही वीक है, ना कोई कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, फंड भी फेक लगाए हुए हैं, डॉक्यूमेंट भी नहीं है, उनके लिए अनदर थिंग्स हैं, उनको मैं और चीज़ें सजेस्ट कर सकता हूँ। तो इस बच्चे का मैंने फिर रिव्यू डाला था और इस बच्चे की 45 मिनट इंटरव्यू हुई थी, कहीं पर भी उन्होंने लैक ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का ऑब्जर्वेशंस नहीं लगाई थी। उन्होंने बच्चे से कम 40 क्वेश्चन पूछे, 40 क्वेश्चंस में से उन्होंने 2 क्वेश्चंस के ऊपर ऑब्जर्वेशंस लगाई। तो मैंने जब रिव्यू डाली थी उसके अंदर मैंने ये बता दिया कि आपने 40 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो हमें ऐसा बताइए कि कौन सी ऐसी डिक्शनरी में लिखा था कि बच्चा 100 में से 100 नंबर ले तभी उसको पास कहेंगे। अगर 40 में से बच्चे ने 2 क्वेश्चनों के जवाब प्रॉपर नहीं दिए, तो जो 38 बाकी क्वेश्चन थे तो उनके तो जवाब प्रॉपर दिए थे, उनके बारे में आपने बिल्कुल डिस्कशन नहीं की। और आपके पास राइट क्या है कि यू विल चेक, आपके पास राइट ये है कि आप चेक करिए कि मेरा कैश ठीक है, मेरे फंड ठीक है, मेरी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें ठीक है तो मेरी 100% एलिजिबिलिटी बनती है यूके के वीज़ा की, जो कि आपने उसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं की। आप तो यही लेकर बैठ गए कि आपको कोर्स के कंटेंट के बारे में मालूम नहीं है। तो मैंने कहा कि कोर्स तो करने जाना है मैंने, लेकिन कोर्स के बारे में तो मैंने बता दिया है कि कोर्स कौन सा करने जा रहा हूँ, अभी कोर्स के अंदर सिलेबस क्या है वो तो मुझे पढ़ने के बाद पता चलेगा जब मैं वहाँ पहुँचूँगा। तो ऐसी चीज़ें की, तो उन्होंने फिर ये मेल आ गई हमारे पास, मेल में क्या लिखा है, आई हैव रिव्यूड योर एप्लीकेशन एंड आई एम सेटिस्फाइड दैट द डिसीजन टू रिफ्यूज योर एंट्री क्लीयरेंस नीड टू बी रीअसेस्ड, अभी उसको रीअसेस्ड किया जाएगा। योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सेंड बैक टू द ओरिजिनल केस वर्किंग टीम फॉर रीअसेसमेंट, देखो उसकी रिव्यू हो गई ना, तो अभी इसको दोबारा बच्चे को वीज़ा 99% मिलेगा। अगर आपका इस कारण केस रिफ्यूज्ड हैं तो आप इमीडिएटली हमें संपर्क करें, तो आपको मैं आइदर रिव्यू में डाल सकता हूँ या आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ कि आपका मैं केस कौन सी और कंट्री के अंदर डालूँ, यहाँ पर आपको सिंगल वीज़ा मिल जाए या स्पाउस के साथ वीज़ा मिल जाए। हमारे पास लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं और हम हर एक वीडियो में फैक्ट बताते हैं, ओरिजिनल चीज़ लेकर आते हैं, ये नहीं है कि बस यहाँ से उठा दिया स्क्रिप्ट, उसकी वीडियो देख ली तो हमने बना दी। हमारे जैसी लोग, हमारी जैसी वीडियो देखकर लोग और वीडियोज़ बनाते हैं, तो हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस हैं, उनको भी देखना चाहते हो ब्रोज करके देख सकते हो। और लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर पुश कर लें। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी इसको शेयर एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।